जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लैपटॉप के ऊपर जो डिस्काउंट वगैरह है उसे आपको अपडेट कर देता हूँ मैं। जरीर बुक स्टोर में एसएस वीवो बुक 14 देख रही 2949 रियाल में लगा हुआ है, ठीक है। 2/30 GHz 512 GB SSD है, 8 GB रैम है, 14 इंच का FHD डिस्प्ले है। इसके आगे लगा हुआ है जी एसएस वालों का X415 240 512 और 8 GB रैम और 14 इंच का FHD डिस्प्ले। 3142 का प्राइस है जी, देख लें आप। इसके आगे एसएस ZenBook UX 435 EG 280 है जी, 1 TB SSD है, 16 GB रैम है और 14 इंच का FHD डिस्प्ले है इसका भी। तो काफ़ी खूबसूरत मुझे लगा यार, लेकिन प्राइस भी काफ़ी खूबसूरत है, 5400 रियाल। इस तरफ देख लेते हैं जी कौन कौन सी बला पड़ी हुई है। 3600 रियाल में 240 512 8 GB 14 इंच का FHD डिस्प्ले एसर एस्पायर 3600 रियाल में। आगे 1500 रियाल में, अच्छा मेरे हिसाब से सबसे सस्ता यही होगा। मैं आपको थोड़ा ये दोनों पीछे करके दिखा देता हूँ, देख लें। मेरे हिसाब से भाई सस्ता तो यही होगा फिर 1500 रियाल में जो लगा हुआ 180 GHz 64 GB 4 GB रैम 14 इंच FHD डिस्प्ले है जी, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं जी लिनोवो आइडिया पैड 3 है जी 2300 रियाल में। लिनोवो आइडिया पैड 3 है जी 1900 रियाल में। 120 है जी, 1 TB इसकी स्टोरेज है और 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 1900 रियाल में। वही है जी 1500 रियाल में सस्ता मुझे लगा और खूबसूरत भी है। अभी इस तरफ कौन सी है, ये 1500 से सस्ता आ गया जी एक, देख लें। ओ भाई चला जा, जान छोड़ दे, ओ चला जा। 1400 रियाल में बड़ा लगा हुआ, ये नहीं जाएगा। 1400 रियाल में लगा हुआ ये एसर वालों का ही वीवो बुक का है, देख लें आप। इस तरफ देख लेते हैं जी एस एस एक्स 515 2200 रियाल में। तो 3 GHz है जी, ये सस्ते वाला कितने में था यार, 1400 में। हाँ ये 1500 और ये 1400 में, सबसे सस्ता हमें 1400 का दिखाई दिया। आगे देखेंगे कुछ और सस्ता दिखाई देता है जी। यहाँ पर 1400 भी नीचे आ गया यार। HP वालों का स्ट्रीम 11, तो ये भाई 110 GHz है, 64 GB स्टोरेज है, 4 GB रैम है और 11.6 इंच का HD डिस्प्ले इसका, देख लें 1200 रियाल में है, ग्रेट है यार। तो इसके आगे लगा हुआ जी HP स्ट्रीम 1500 रियाल में। तो ये सबसे सस्ता हमें अभी ये मिल गया है जी 1200 में, ये 1500 रियाल में है। ये बड़ा बड़ा ये 1200 में छोटा सा आपको मिलेगा, ये 1500 में एक बड़ा मिलेगा आपको। इसका भी 110 128 GB 4 GB 1500 का डिस्प्ले है और HD डिस्प्ले है, उसका भी HD डिस्प्ले है। तो ये 1500 रियाल में है। ये 2200 रियाल में HP वालों का ये 3 GHz है जी, 256 GB स्टोरेज है, ठीक है। आगे पड़ा हुआ ये HP वालों का ही 1 TB स्टोरेज है, 4 GB रैम, 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले 2100 रियाल में। बड़े बड़े हैं ये तीनों। ये आगे पड़ा हुआ ये एक ये दरमियाना साइज़ है और ये काफ़ी खूबसूरत मुझे लग रहा है HP वालों का। तो 256 8 GB रैम 14 इंच का FHD डिस्प्ले। यार जो FHD डिस्प्ले है ना, कम अज़ कम ये होना चाहिए, हकीकत बात है लैपटॉप में, क्योंकि बड़ा डिस्प्ले होता है। ये कौन सा डिस्प्ले है भाई, FHD डिस्प्ले है लेकिन इसमें शाइनिंग काफ़ी आ रही है। बहरहाल लैपटॉप की लुक भी मुझे काफ़ी प्यारी लग रही है बॉडी के लिहाज से भी। तो HP है जी 3400 रियाल में लगा हुआ है, देख लें, ठीक है। 8 GB रैम 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले है। चलो बहरहाल आगे चलते हैं, इस तरफ पड़ा हुआ है कि ये भी देखते चलें। 3800 रियाल में लगा हुआ ये HP, देख लें। तो 1 TB स्टोरेज है और 280 GHz 3800 रियाल में। आगे चलते हैं जी, आपको कुछ और दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर आइडिया पैड नहीं है, हवावे है। मेट पैक मेट बुक 13 है जी, 5000 और 4000 स्टोरेज के हिसाब से फ़र्क है। ये भी 4000 और 5000। HP मेट बुक 14 है, ये मेट बुक 13 है। तो आगे चलते हैं जी, HP है क्या, हवावे है नहीं, मैकबुक प्रो है जी और रेटिना HDR आ रहा है जी 16400, देख लें जी 16400 500 में और 11800 में। डिटेल में जाऊंगा नहीं भाई, इतना महंगा। 5500 रियाल में मैकबुक प्रो और रेटिना HDR आ रहा है, 11799 में मैकबुक प्रो रेटिना HDR, वो भी रेटिना HDR है, ये भी रेटिना HDR है। मी 11 प्रो 10 कोर और ये भी मी 11 प्रो 10 कोर, डिस्प्ले के लिहाज से फिर प्राइस है जी। तो बहरहाल मैकबुक प्रो 6300 रियाल और
7300 रियाल, ये बेस्ट है यार, इतना क्यों होना चाहिए। आप बैग वगैरह में डालकर सफ़र के लिए भी रवाना हो सकते हैं। या बहरहाल आगे डिस्प्ले के मतलब, ये जी एक पड़ा हुआ है मैकबुक एयर 6200 रियाल में। कलर इसका देख लें, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है मुझे। और इसके मैकबुक एयर 13 है जी, प्राइस है जी इसके 6200 रियाल, 512 GB स्टोरेज है, 13.3 इंच का रेटिना डिस्प्ले है जी, मैकबुक 13 देख लें। इस तरफ बात कर लेते हैं, एक पड़ा हुआ जी हवावे मेट बुक देख लें, डी है तो 256 GB 15.6 इंच का डिस्प्ले 2600 रियाल में। तो ये कौन सा पड़ा हुआ है भाई, 2900 रियाल में है जी, लिनोवो आइडिया पैड है। तो यहाँ पर पड़ा हुआ एस एस एक्स तो 240 है जी, जी एस जेड 256 GB एस एस डी है जी, 4 GB इसकी रैम है, 14 इंच का डिस्प्ले है, 2500 रियाल एंड 2900 रियाल ठीक है। इस तरफ बात कर लेते हैं जी, लिनोवो आइडिया पैड है फ्लैक्स 5 देख लें तो 2800 रियाल में लगा हुआ है, 14 इंच का डिस्प्ले है, 256 GB स्टोरेज है। आगे लिनोवो आइडिया पैड फ्लैक्स 5 2800 रियाल में, ये भी वो भी 2800 रियाल में, सेम ही रखे गए हैं, बस कलर का चेंज है जी दोनों में। आगे प्राइस इधर है जी, 2300 रियाल में लगा हुआ है आइडिया पैड फ्लैक्स 5। तो लिनोवो योगा 6 देख लें तो 4200 रियाल में है जी, लिनोवो योगा 6 4700 रियाल में है जी, 13 इंच का 13.3 इंच का एफ एच डी डिस्प्ले, 16 GB रैम, 512 GB स्टोरेज और एस एस जैन बुक फ्लिप 13 13.3 इंच का एफ एच डी टच डिस्प्ले है, टच जी टच डिस्प्ले है भाई, देख लें आपको मैं आपको टच करके दिखा रहा हूँ, तो टच डिस्प्ले देख लें आप, 3600 रियाल में लगा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर एक टैब वगैरह कुछ पड़े हुए हैं, लेकिन इनकी डिटेल में क्या जाएंगे, ज़ाहरी सी बात है इसके ऊपर प्राइस वगैरह मेंशन नहीं है, लेकिन इसको हाथ लगाते हैं तो प्राइस आ जाते हैं और आपको बता भी देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रो एक्स कन्वर्टेबल तो 3.15 GHz जी, 256 GB एस एस डी है और 16 GB रैम और 13 पिक्सल सेंस इसका डिस्प्ले है जी, 6700 रियाल में लगा हुआ है। आगे 3600 रियाल में एक लगा हुआ है HP वालों का, तो भाई तेरे प्राइस नहीं है, इसके प्राइस यहाँ है 3800 रियाल में है जी, देख लें HP वालों का लैपटॉप तो खूबसूरत है यार। बहरहाल ये कुछ लैपटॉप की वैरायटी थी जिसे मैंने आपको अपडेट किया है, यहाँ पर टैब की वैरायटी भी है काफ़ी, तो लैपटॉप भी यहाँ पर और अवेलेबल है, इनके से भी आपको बता देता हूँ भाई मैं 4700 रियाल में MSI वालों का ठीक है, MSI स्टिल्ट 6000 में, ये बड़े टाइप के और थोड़े मोटे टाइप के गेमिंग लैपटॉप माने जाते हैं और ये हैवी होते हैं थोड़ा, हैकिंग वुकिंग वाला सिस्टम नहीं होता है ना ही रुकते हैं ये, तो 4300 रियाल में 250 512 GB 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले है जी, देख लें ये 4300 रियाल में है। तो ये कुछ लैपटॉप की वैरायटी थी जिसमें मैंने आपको अपडेट किया, यहाँ पर टैब की वैरायटी भी है काफ़ी, इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।